मध्य प्रदेश धार जिले के ग्राम कुवाड़ में दीपावली त्योहार के दूसरे दिन पड़वा गोवर्धन पूजा के दिन एक ऐसी अनोखी परंपरा गाय गोहरी के नाम से मनाते हैं, जिसमें गांव के लोग जमीन पर लेट जाते हैं। उन लेटे हुए लोगों के ऊपर से सैकड़ों गायें चलकर निकलती है, मगर उन लोगों को जरा सी भी खरोच नहीं आती। इसे लोग आस्था मानते हैं। धार जिले के मनावर विधानसभा का ग्राम कुवाड़ में एक ऐसी परंपरा होती है जिसे गाय गोहरी के नाम से मनाते हैं, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग जमीन पर लेटते हैं, जिनके ऊपर से गायों को दौड़ाया जाता है, मगर उन लेटे हुए लोगों को जरा सी भी खरोच नहीं आती। इसे आस्था माना जाता है। यह परंपरा दिवाली के दूसरे रोज पड़वा व गोवर्धन पूजा के दिन होती है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गौ माता में हजारों देवी देवताओं का वास रहता है, जिसके चलते यह लोग इसे आस्था मानकर चला रहे हैं। यह परंपरा को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों की तादाद में महिला पुरुष बच्चे देखने के लिए आते हैं और व्यवस्था में पुलिस प्रशासन भी लगा रहता है। क्या नाम है आपका? भानालाल चोयल। ये गोरी गाय का क्या उद्देश्य है और कब से मनाया? गोरी का यह उद्देश्य है कि हमारे ग्राम कुवाड़ श्रीपुरा में कई वर्षों से मतलब चलते आ रही है कार्यक्रम, और सभी कई समय से चलते आ रहे और बुढ़ाड़े इनके छुपा जो गाय गोरी है, गाय गोवर्धन माता के नाम से पढ़ाया जाता है, और मतलब ये लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले पड़वा के रोज ये कार्यक्रम मनाया जाता है। साथ में क्या होता है कि गाय वहाँ जो लोग बाग सब नीचे सोते हैं उनके ऊपर कई प्रकार की गायें चलती ऊपर, उन सोने वाले को किसी प्रकार का कोई खरोच गाय का कोई खुर नहीं लगता है, और उनकी जो मन्नतें होती है वो मन्नतें पूर्ण होती है, और कई समय से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और काफ़ी संख्या में आजूबाज क्षेत्र के सब पूरे लोग बाग देखने आते हैं और बड़ी धूमधाम से साथ में मनाया जाता है, और ये हमारा उद्देश्य रहता है, हमेशा चलता रहता है और चलता आ जाता है। भाना जी चोयल, और यहीं के रहने वाले हम, गांव श्रीपुरा के जो कुवाड़ के यहीं के रहने वाले। हाँ सर, सर जितना पाँव पड़ता है गाय माता उतना शरीर हमारा हल्का होता है। जब तक नहीं शरीर गाय माता का शरीर पर पड़ता है जब तक हल्का नहीं होता है, गाय ऊपर से निकलती है जब शरीर अच्छा हो जाता है हमारा, क्यों धनतेरस से हमको सुर चढ़ जाता है 12 सालेर माता का। आप लेटे हो, कुछ मन्नत थी? मन्नत कहीं नहीं, राज कुसे से माते शरीर हमको जंगल में आ गई थी, तो उस रोज से फिर ये 7-8 साल है मेरे को पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं आया, कुछ मनाया जाता है। ये पड़वा के रोज है, गोवर्धन पूजन के रोज ये मनाया जाता है। गोहरी गांव से इकट्ठे करते गाय माता और फिर गोहरी पढ़ते हैं मन्नत दोबारा इनके। दादा क्या नाम है आपका? हमारा मांगीलाल नाम है और ये कुवाड़ में ही रहते हैं। ये गोरी गाय का क्या उद्देश्य है और कब से चली आ रही है? ये हमारे रीति रिवाज बूढ़े आड़े करते आ रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ भी नहीं, और ऐसा कार्यक्रम चलता है, अवसर अच्छा मनाते हैं, और गाय माता की जैसो कि गोहरी बोलते हैं इनको, इसके ऊपर गाय माता का जो हेड़ी बोलते हैं उसमें अस आता है, वो गाय माता के सामने गिरते हैं, गिरने के बाद उनको बिल्कुल कोई दखल नहीं आती है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, और अभी भी ऐसा अवसर मनाते आ रहे हैं और परंपरा से गाय माता खुशी हमारे पर गाय माता पर इसे लेटते हैं उनके ऊपर गायें चल के निकलती है। 500 गायें इकट्ठी होती है उनके ऊपर निकलती है, कुछ नहीं उनको वजन भी नहीं लगता है, खूर भी नहीं लगती, खून भी नहीं निकलता, ऐसा कुछ नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता इस स्थिति में निकल रहा। फिर 100 साल अरे हमको तो पता ही नहीं है कब से परंपरा से आ रहे हैं रीति रिवाज, हम छोटे से बड़े तक यही देख रहे हैं। मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री, मैं सभी हल्का नीलोखड़ी वासियों को हैप्पी दिवाली, और मैं धनतेरस और गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से इस साल यह हैप्पी दिवाली है, तो आने वाला दिवाली भी हमारी इसी तरीके से खुशियां लेकर आए, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री गाँव बुटाना से। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनार पुत्र
नीरज उर्फ विक्की की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नीलोखेड़ी के कर्मच, मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। नीलोखेड़ी के कर्मच, मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।